नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनिक वेलनेस के एमडी हमारे कृष्ण गुप्ता जी, उनका सर 15 मिनट आपको ऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और आज क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया जो जो चीजें खानी है, अनफॉर्चुनेटली अपने देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि वो चीजें ओरिजिनल नहीं मिली। उसके कारण हमारा उसपे से विश्वास या जो ट्रस्ट बोलते हैं वो घट गया। मैं केमिकल इंजीनियर हूं प्रोफेशन से, एमबीए कर रखा है, देश विदेश में बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में काम किया है, 60-70 देशों की सफल यात्राएं करके आया हूं, लेकिन हरदम एक चीज यहां पर चुभती थी। खास करके एक समय में चाइना में जब बैठा हुआ था, वहां पर एक चीज समझ में आई, टीसीएम बोलते हैं ये लोग, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, वहां पर अभी भी वो पहला औजार, पहला हथियार माना जाता है। जितने भी लोग हैं वो वहां पर जाते हैं, पहले टीसीएम पे विश्वास करते हैं, उसको अपनाते हैं, और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ऐसी कुछ इमरजेंसी आती है तब वो एलोपैथिक और दूसरी मेडिसिन की तरफ जाते हैं। जब वहां पर ये जब चल रहा था तो वहां पर समझ में आया कि हमारे भी बहुत से प्रोडक्ट, चाहे वो हल्दी हो, अश्वगंधा हो, बहुत ही हर्ब्स, और जो हमारे किचन के अंदर मसाले हैं उनका भी उपयोग वहां पर मैंने होते हुए देखा। फिर यही सोच आई कि क्यों ना अपने देश के अंदर हम इस तरह से शुरुआत करें कि वापस अपने प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट आना शुरू हो। अब ट्रस्ट लाने के लिए हमारे देश में कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं कि पोल्यूशन लेवल्स इतने हाई हैं। यदि आपको ऑथेंटिक वैदिक तरीके से प्रोडक्ट उगाना, मैं ऑर्गेनिक पे फोकस ज्यादा नहीं करता हूं, ऑर्गेनिक एक फैड आ गया है। आज यदि हम 50 साल 100 साल पीछे जाएं तो हमारे देश में हर चीज वैदिक तरीके से ही बनती थी। किसान सुबह से उठ जाता था, वहां पर पूजा पाठ करता था, अग्निहोत्रा करता था, शंगाना होते थे। आज ये हाल हो गया है, पंडित जो हमारे फैक्ट्री में या जहां हमारे प्रोजेक्ट लगे हैं पूजा करने आते, वो शंख नहीं बजा सकते। और हमने जब ये शुरुआत करी तो सोच में एक चीज ही आई थी, नंबर एक, हमारा प्रोडक्ट जो भी उगाएगा उसको खाने में सुबह शाम दोपहर का खाना अच्छा मिलना चाहिए, मतलब हमारा किसान। दूसरा, उसके बच्चे अनएम्प्लॉयड है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। तीसरा, जो कस्टमर इस प्रोडक्ट को लेते हैं उन लोगों को ऑथेंटिक प्रोडक्ट दिया जाए, वैदिक पद्धति से बनाया हुआ, जिससे देश का इतिहास, देश का जो ट्रस्ट है वो वापस लाया जा सके। यदि आज डॉक्टर साहब ने बताया आपको हल्दी लीजिए, और यदि हल्दी ही ओरिजिनल नहीं है तो आपका विश्वास हल्दी से उड़ जाता है। यदि जीरा सीमेंट मिला हुआ है तो आपका विश्वास जीरा से उड़ जाता है या जीरे से उड़ जाता है। अब इन चीजों को करने के लिए हम इस मुहिम पे निकले कि हमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बड़ी सिटीज से दूर हटना है, ऐसी जगह जाना है जहां पर कि आज तक खेती नहीं होती थी। कारण ड्रॉट पड़ते थे, कारण था कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने बुंदेलखंड का सफर शुरू किया। ऐसी जगह पहुंचे, हमें भी नहीं पता था ये क्या है जगह, विलेज बाबई। मैं हूं राजस्थान कोटा का रहने वाला, गुड़गांव और देश विदेश में पढ़ा लिखा, काम किया, और पहुंच गया मैं विलेज बाबई। पहुंचे वहां पे, 3 एकड़ की एक जमीन खरीदी, शुरुआत वहां से करी, एक भव्य प्लांट हमने वहां पर लगाया, ऐसा प्लांट जो कि मॉडर्न है, हर तरीके से सुसज्जित है, लेकिन प्लांट का वैल्यू कुछ नहीं जब तक कि उसके अंदर जो चीज उगाया जाए, प्रोसेस करा जाए, वो ऑथेंटिक नहीं। ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद है कि वहां पर, क्योंकि
किन्हीं कारणों से कोई भी खेती नहीं होती थी, हमने वहां पर चीजें उगानी शुरू करी, चाहे वो तुलसी हो, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो, चाहे दालें हो। और हमने एक निर्णय ले लिया था कि हम देश आगे बढ़ रहा है बोल के हम आगे की तरफ नहीं, हम देश का इतिहास जो 100 साल पहले होता था वो शुरू करेंगे। सैंपल के तौर पर आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं और सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं हल्दी से ही। हल्दी बहुत अपने देश में पाई जाती है, हर घर में इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन मैं आज कहते हुए बड़ा शर्म भी आती है, हम हल्दी नहीं खा रहे, पीला रंग खा रहे, क्योंकि ज्ञान का जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि ज्ञान ऐसी चीज है, हम आधा ज्ञान ही रह गया, हमें पढ़ाया नहीं गया, जब तक कर्क्यूमिन नहीं है हल्दी में। और हल्दी आज क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी गांठे हैं हर घर में, बोल दो जिससे बात करता हूं मैं, कस्टमर से या फ्रेंड सर्किल में, यार हम तो साबुत हल्दी लाते हैं और पीसते तो फ्रेश ही, आप नहीं समझ पाते तो साबुत हल्दी से ही कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और वो कर्क्यूमिन 25-30-40 हजार रुपए किलो देश विदेश में बेचा जाता है। हमने कहा नहीं, हमारे कस्टमर्स को देश के अंदर एजुकेट करेंगे, इसलिए हम यहां लिखते हैं टर्मरिक विद 5% कर्क्यूमिन। आप इस हल्दी को हाथ लगाएंगे आपको पता लग जाएगा ये हल्दी अलग तरह की है। और जैसे डॉक्टर साहब बताए थे आप इसे लीजिए, दूध में डाल के पीजिए, आपको 5 दिन में फर्क आना शुरू हो जाएगा, जो दर्द इधर उधर हो रहे हैं उनमें ही इफेक्टिवनेस आ जाएगी। मैं आता हूं दूसरे प्रोडक्ट, ऐसे ही डॉक्टर साहब ने बताया धनिया, मैं आपको बोलना नहीं चाहता, मैं ऐसे ऐसी जगह गया हुआ हूं, धनिया पिसते हुए देखा है, धनिया बनते हुए देखा है कि वहां पर कुत्ते अपना काम कर रहे हैं और वो धनिया चला जा रहा है बड़ी बड़ी दाम की। अब फिर समझने की कोशिश करिए कि जितना तो दूध नहीं है उससे ज्यादा घी देश में बिक रहा है, लेकिन फिर भी आके कस्टमर बोलता है कि आपका घी महंगा है। ना भाई कैलकुलेशन कर लेते हैं, दूध कितने रुपए लीटर लेते हो तुम, सब 50 रुपए लीटर, चलो भाई मान लिया 50 रुपए लीटर। गूगल कर लीजिए 3% फैट होता है दूध के अंदर, तो 1 लीटर में से 30 ml घी निकलेगा, तो 1 लीटर घी बनाने के लिए कम से कम 33 लीटर दूध की जरूरत है। तो यदि कोई आपको घी 400, 500, 300 रुपए लीटर दे रहा है तो आप कोई इस तरह समझ लीजिए कि 40,000 रुपए का 10 ग्राम सोना कोई आपको 20,000 में दे रहा, सोना समझ के ले। शर्त यह है आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। यदि हम इस इतिहास पे चले जाएं, अब देखिए हम बोलते हैं देश तरक्की कर रहा है, हर दूसरे दिन नया हॉस्पिटल आता है, हर दूसरा आदमी बीमार है, देश तरक्की नहीं कर रहा। Now coming to the second part, दाल। ये अरहर की दाल है। जब मैंने शुरू में शुरुआत करी लोग बोलते हैं सर ये तो बिल्कुल बेकार लग रही है, इसमें तो चमक ही नहीं है। मैंने भाई खानी है दिखानी थोड़ी। फिर जब उस गांव में गए जो हाथ की चक्कियां चलती थी वो बंद हो गई, लोग नौकरियों के लिए बड़ी सिटीज में आने लगे, घर पूरे गांव के गांव उजड़ गए। नहीं अब हम मशीन से इसको सॉर्टेक्स नहीं करेंगे, मशीन से क्लीन नहीं करेंगे, हमने कहा घर में चक्कियां चलानी शुरू कर दी, 10 रुपए किलो पिसाई दी जाती है उस गांव के अंदर। और जितनी भी दालें आप देख रहे हैं, नंबर 1 ये हाइब्रिड सीड नहीं है, ये देसी बीज है, ये बड़ा नहीं रहेगा, चौड़ा नहीं रहेगा, चमकेगा नहीं, लेकिन पर आपके पेट के अंदर आपके शरीर में सारे अच्छाई देगा। और एक चीज और बता दूं,
इस दाल को लेते समय जरूर एक बार आंख से निकाल लेना, क्योंकि मेरी अम्मा वहां पर 20 किलो दिन में पीसती है, हो सकता है एक आध कंकड़ छोड़ दे। और आप जब आंख से ऐसे करेंगे, मैं गारंटी देता हूं आपकी आंख खराब नहीं होगी, कि नेचुरल आपको भगवान ने एक्सरसाइज हमें दी थी। आज आप देखेंगे बच्चे छोटे छोटे चश्मा लगाए बैठे हैं, उसका कारण ये है हमने बेसिक से दूर आ गए। तो हमने इसी पद्धति के अनुसार, चाहे तुलसी हो, चाहे सारी हर्ब्स हो, और जैसे डॉक्टर साहब है, ऐसे ही डॉक्टर नरेंद्र सिंह साहब है, वो एमडी एमबीबीएस बहुत ही विद्वान डॉक्टर है, उन्होंने अपनी जिंदगी पिछले 40 साल केवल हर्ब्स और मेडिसिन में फोकस करी। तो हमने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, रिसर्च करे हैं, सारी की सारी रिसर्च उन प्रोडक्ट्स पे है, चाहे कोई भी शरीर की बीमारी हो, इन प्रोडक्ट्स को पहले ही लीजिए, बीमारी का इंतजार मत करिए। ये हर्बल सप्लीमेंट या हर्बल फूड या स्पाइसेस जो हम कहते हैं, इनको ऑथेंटिक प्योर लीजिए, आपको बीमारी नजदीक नहीं आएगी, जैसे हम कार की ओवरऑलिंग कराते हैं रेगुलर बेस पर। बीमारी का इंतजार मत करिए, इनको पहले लेती लीजिए, जिससे कि आपको बीमारी टच ना करे, और यदि टच करेगी तो क्योर हो ही जाएगा। एंड ऑलवेज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तेल, जिससे पूछता हूं रिफाइंड ऑयल, भाई मैं भी केमिकल इंजीनियर हूं, आई ईट ऑलिव ऑयल। पता नहीं एक देश में पद्धति सी बन गई है कि फैट की मैं ये बोलूंगा तो मैं मॉडर्न कहलाऊंगा या मैं रईस कहलाऊंगा। सरसों का तेल खाता हूं बोलते हुए ऐसा लगता है कि डिग्रेडेड हो गया। मतलब बड़ा शर्म भी आता है, देश का इतिहास है, देश का कल्चर है, हमने अच्छे खाते सरसों का तेल, सर क्यों नहीं खाते, बदबू आती है। अरे भाई सरसों का तेल है, सरसों की खुशबू है, ये माइंडसेट का खेल है केवल। और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी इतने हैं, डीऑर्डराइज रिफाइंड ऑयल कर दिए। खोपरे का तेल खाओगे तो खोपरे की खुशबू आनी चाहिए, लड़की है तो लड़की दिखनी चाहिए, भाई लड़का कैसे दिखे, लड़का है तो लड़का दिखना चाहिए, बेसिक्स है। ये सरसों का तेल हैंड कोल्ड प्रेस्ड रॉ मालिश करिए, खाइए, जो आपकी इच्छा करिए। मेरे को डायबिटीज है, मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, मैं सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक डेली काम करता हूं, मेरे को ये पता नहीं मंडे क्या है, संडे क्या है, छुट्टी क्या है, मेरे को आज तक भगवान का आशीर्वाद है, कोई समस्या नहीं। फ्री मतलब ऑफ एनी रबिश थिंग्स मैं खाता हूं और आज तक कोई समस्या नजदीक नहीं है। देश का दुर्भाग्य है कि त्रिफला जैसी चीजें हमें ओरिजिनल नहीं मिल रही और कस्टमर हम ऐसे हैं कि हम सस्ते के पीछे जाना शुरू कर। आज ग्लास जो सबसे न्यूट्रल प्रोडक्ट है, मेरा एक ही चीज मानना है, यदि कोई चीज ग्लास में है तो कम से कम उस कंपनी ने इतना तो बेसिक कर लिया है कि आपकी तंदुरुस्ती का ध्यान रख रहा है। यदि कोई प्लास्टिक की चीज में ऑयल पानी इस तरह की चीजें भरी पड़ी हैं, मैं हरदम ये रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के दूर रहिए, आप रेस्टोरेंट में चले जाए। आते पहले पूछता है कि पानी प्लास्टिक की बोतल का दू या तो पूछता भाई पानी की कमी क्या तेरे होटल में। लेकिन हम यदि बोतल ऑर्डर नहीं करी ऐसे करते हैं जैसे हम रईस नहीं करी। आई ऑब्जर्व व्हेन आई एम सिटिंग ओवर देयर, जब उनको मैं बताता हूं, बोला मैंने पानी की बोतल ये तेरे पास कांच वाली है वो लिया, वो नहीं है उसके पास, मैं नहीं तो नॉर्मल पानी ला भाई, मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे पाचन क्रिया में जो तू पिलाएगा मैं बचा लूंगा। तो कहने का शॉर्टकट यही है मेरा कि व्हाट वी हैव डन इज गोइंग टू द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज। अब आता हूं मैं चॉकलेट। जितनी भी मार्केट में चॉकलेट है 25-50% उसके अंदर मिल्क का सॉलिड है, बाकी के शक्कर है, चीनी है। वो चॉकलेट खाओगे तो दांत भी खराब होंगे, पेट भी खराब होगा और तकलीफ होगी। हमने निकाली रॉ चॉकलेट
जितना बच्चा खाएगा उतना वेट कम होगा, उतना फोकस ज्यादा होगा, इसमें मिल्क है ही नहीं दीदा वेगन, और इस बहाने बच्चे के पेट में अश्वगंधा हो, मोरिंगा हो, इस तरह के हर्ब्स, टर्मरिक हो, इस तरह के हर्ब्स भी चली जाती। कैसी लगी दोस्त, मजा आया ना? ये लीजिए सब आप डिस्ट्रीब्यूट। यू हैव टू बाय nothing, it is the other way wrong. He say buy, if you don't like it leave it. The reason is also I'm telling you, यदि हमने sampling कर दी, यही जो 150 रुपए की चॉकलेट है 200 में बेचनी पड़ेगी, sampling किसी और ने करी खाए पेगा और कोई पेगा। चलिए अभी मैं जरा और बता दू, फिर बाद में कर दू। नहीं मेरे बच्चे चॉकलेट की बात ही कर रहे हैं। एक बार कंटिन्यू, एक बार यदि आप लोग बोलते हैं कंटिन्यू करो, एक चीज लगता है मैं बोर नहीं कर रहा, आपको इंटरेस्ट आ रहा। फाइनली आता हूँ मैं मसाला, ये हिंदुस्तानी शब्द नहीं है, ये अरब से आ गया मसाला, अपने देश में मसाला नहीं है। ये जो चीजें हैं ये तो सबसे बड़ी किचन की आपकी मेडिसिनल चीजें हैं। हर मसाला जो कहा जाता है आजकल स्पाइस कहा जाता है, किचन में जो है वो हर चीज का इलाज है, जैसा कि आप डॉक्टर साहब ने बता रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा उस पर से विश्वास इसलिए उतर गया क्योंकि वो जीरा जीरा नहीं बचा, धनिया धनिया नहीं बचा, मिर्ची मिर्ची नहीं बची, हल्दी हल्दी नहीं बची। और देश का जो इतिहास इतना सुदृढ़, इतना सुनिश्चित, इतना शानदार है, हमने ही मिलके उसे बेकार कर दिया। अब वक्त आ गया है हम ही सब मिलके इस देश के इतिहास को आगे ले जाएं। अब आपको मैं कंपनी का थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पिक्चर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको यही बैठ के मैं बुंदेलखंड की यात्रा करा दूं। और जब भी आप चाहते हैं आपकी खुद की फैक्ट्री है झांसी उतरिए, झांसी से केवल 45 किलोमीटर दूर है, बहुत खूबसूरत जगह है। गुड़गांव अपने और आपके रहने लायक भी नहीं बचा, सच्चाई ये है। इसीलिए मैं रिमोट विलेज में गया हूँ। एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं सुशांत लोक में ही रहता हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत तुलसी लगी भी है, मोरिंगा लगा हुआ है, सब तरह के पेड़ लगे हैं कड़ी पत्ता, लेकिन लोग खा नहीं सकता। जैसे ही कार स्टार्ट होती है धुआं पहले तुलसी माँ ले लेती है, जब भी तुलसी माँ बोला जाता है वो चाहती है मेरा बेटा बीमार ना हो, मैं उसे एब्जॉर्ब करूं। हमने जब बच्चों को टेस्ट कराया उसके अंदर लेड की मात्रा बहुत ज्यादा आई, मेरे को कोई शौक नहीं कि इतने रिमोटेस्ट विलेज में जाना। इसीलिए मैं बता रहा हूं यहां पर मेरा ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट पे एक बहुत बड़ा फार्म है। अच्छा वहां पर 150 पेड़ मोरिंगा के लगे हैं, सब कुछ है वहां पे, लेकिन माखी में कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इतना पोल्यूशन लेवल है कि पत्ते जो है पहले पेड़ ऑब्जर्व करते हैं, वो हमारी अच्छाई के लिए अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम रिमोट विलेज में गए हैं कि जिससे लोगों को हम ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे सके। दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा बहुत? यस, ये बंदे खड़ा हो जाए यार, सब खड़े मत हो, पर रख के दिखेगा, सब लोग बैठ जाओ भाई। इज दिस विजिबल? अभी आप प्रोजेक्टर लेके आऊंगा मैं, अब ये बात प्रोजेक्टर आएगा पक्की बात है, ठीक है? ओके, ये है जगह है जहां हमने जमीन ली, हमने टारगेट किया 6 महीने के अंदर भव्य प्लांट बना देंगे। लोगों ने कहा कम से कम 3 साल लगते हैं इस प्लांट को बनाने में, हमने कहा 6 महीने बनाएंगे, अनरीजनेबल टारगेट लिया। ऐसा गांव जहां पर बकरी भी दिखती नहीं है बड़ी मुश्किल से, कुत्ता तो दिखाई नहीं 2 साल तक, वहां पर हमारे पहले डिस्ट्रीब्यूटर विदेश से फिनलैंड से लेके आए। शांत नहीं रहोगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है? गिफ्ट भी नहीं मिलेंगे। फिनलैंड से पहले डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर प्लांट बनने से पहले पहुंच गए और हमारे पहले जो किसान थे शिव कुमार जी, शिव दयाल जी, उनसे उनका स्वागत। ये प्लांट, ये जमीन जब हमने इनसे खरीदी, ये भव्य प्लांट हमने वहां लगाया, वहां पर लाइट नहीं है, पावर नहीं,
हमने कहा मैं डीजल जनरेटर नहीं चलाऊंगा, हमने एक्स्ट्रा पैसा देके डायरेक्ट ग्रिड से लाइन ली, हाई पावर हाई टेंशन कनेक्शन। कंपनी की इनसाइड गैलरी है, देश का सबसे सुंदर सबसे भव्य प्लांट कहलाता है गांव के अंदर, और ना कोई सीसीटीवी कैमरा है। सारे बच्चे लोकल गांव के प्लांट चलाते हैं। ये विजन हमारा है, ये सारे सर्टिफिकेशन से कंपनी के, देश विदेश का कोई भी सर्टिफिकेशन बोलिए कंपनी ने ले रखा है। ये यूएसपी वगैरह में ज्यादा थोड़ा निकलता हूं, ज्यादा समय हो जाएगा। सच्चाई है कि वहां पर हर बच्चा केवल गड्ढे खोद के पैसे कमाता था, कोई रोजगार का साधन नहीं था, और एक रोजगार और था, बच्चों की जेब में वहां पे छोटे छोटे कट्टे रहते थे बुंदेलखंड का। आज वो बच्चा ऑटोमेटिक मशीन चला रहा है, बड़ा फख्र होता है मेरे को बोलते हुए कि वो आज बच्चा इतनी शानदार तरीके से मशीन चलाता है कि अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दे। देश विदेश के लोग रेगुलरली गांव में विजिट करते हैं, वहां के जो लोकल बच्चे हैं उनको जिंदगी भर एजुकेशन की जिम्मेवारी कंपनी ने ले रखी है। आप जो भी प्रोडक्ट यदि ऑर्गेनिक वेलनेस का लेते हैं, ये समझ लीजिएगा उसका 10% उसकी जिंदगी में डायरेक्टली जा रहा है, जो आदमी आत्महत्या करता था, जिनके बच्चों को जीने का साधन नहीं था, डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट कर रहा है, जो बच्चे ही गांव में प्लांट चला रहे हैं। मेरी ही कुर्सी पे बच्ची बैठी है, पढ़ने बहुत अच्छी है, जिंदगी भर की एजुकेशन का इसका जिम्मा मैंने नहीं आप सबने लिया है, क्योंकि जो भी आप खरीदते हैं उसी से डायरेक्ट जाता है, कि हम चाहते हैं ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल रहे। सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट से कुछ आप यहां भी देख सकेंगे, हर तरह का सप्लीमेंट है, हल्दी, चॉकलेट, मोरिंगा, वीट ग्रास, जो आप चाहते, किनवा, कितना हल्ला मचा हुआ था देश के अंदर, 600 रुपए का आधा किलो, जो देखो मैं 600 रुपए का आधा किलो मैं नहीं खाऊंगा, हमने यही किनवा निकाला है 199 रुपए का आधा। हम नहीं चाहते देश की जनता को, अपने देश को लूटा जाए, थोड़ा बहुत विदेश से कमाता हूं वहां जरूर बेचता हूं, कमाता देश में नहीं कमाते। ये 199 रुपए हमने लॉन्च किया है कि जिससे कि मासेस तक ये प्रोडक्ट पहुंचाया जा सके, क्योंकि सही में इसके काफी अच्छे फायदे हैं। सारी दालें जो अभी आपको मैंने समझाई दिखाई, सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट से करीब 170 कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। 28 देशों में प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। उस गाँव से कभी आप फैक्ट्री जाएंगे, बच्चे से पूछो भाई क्या चल रहा है, होता सर चेक का चल रहा है, ये लड़का कहां पहले ये नहीं समझता था है क्या जिंदगी, और आज बोल रहा है कि इस देश का मैं माल बना रहा हूं। इस समय हम बैठे हुए हैं, इस समय हांगकांग का प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन रहा है। क्या बन रहा है? टर्मरिक सी प्लस, आमला सी, जिसकी कि हम हमारे देश में कदर नहीं करते। यहां पर जो प्रोडक्ट मैं टर्मरिक सी प्लस 300 या 400 रुपए का बेचता हूं, आप चौंक जाएंगे, वही प्रोडक्ट विदेश में कम से कम 10 गुना रेट में बिकता है और लोग खुश होकर खरीदते हैं, क्योंकि उनको उससे फायदा मिल रहा है। अपने देश में अभी भी 300 रुपए का दो 45 दिन का खुराक है, उसका सर कुछ डिस्काउंट, डॉक्टर के पास जाएगा बड़े हॉस्पिटल में स्पाइन से 1500 रुपए दे देगा और नुकसान पहुंचाएगा तो भी कोई फर्क। 50 साल का आर्थराइटिस है, आपने पूछता सर ठीक हो जाऊंगा, अरे भाई 50 साल लगे तेरे को लेने में यार, 5 दिन तो ले भाई, फर्क जरूर पड़ेगा। आयुर्वेदा लॉन्ग टर्म नहीं है, आपको दूसरी तीसरी खुराक से फर्क आना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड वो प्रोडक्ट प्योर हो। अपने देश के ऋषि मुनि